वेलकम टू माय चैनल फैशन बाय गीता शर्मा, जहां हर कोई बनेगा डिजाइनर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इस शरारे की स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कितना घेर वाला ये है शरारा, कि मेरी पूरी टेबल पर भी ये नहीं आ रहा है। और सिर्फ 5 मीटर की ये साड़ी थी, 5 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा थी ये साड़ी। ये देखिए, उसमें से ही मैंने ये निकाला है। कैसे कैसे मैंने ये निकाला है, कैसे कैसे मैंने इसकी कटिंग की है, वही आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, तो वीडियो को पूरा देखिए आप, जिससे कि आपको पता चले छोटी छोटी डिटेल कि कहाँ से ये लेस निकाली गई है, कहाँ से ये मैंने यूज किया है। और फिर जब फ्रंट पर ये लेस आ गई है पूरे पे, तो बैक पर भी मैंने इस तरीके से पूरे पे लेस लगाई है, और इसका घेर भी बहुत ज्यादा अच्छा आया है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में, साड़ी में से आप डिजाइनर शरारा बना सकते हैं, जो कि आप पार्टी में पहन सकते हैं। कुर्ती की कटिंग जो स्टिचिंग जो जिसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में ही देखी थी स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इसमें कटिंग बताई है, तो आप वो देखिए। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी दूंगी और आई बटन में भी दूंगी। ये देखिए, आज हम सबसे पहले शरारा ही बनाना सीखेंगे, क्योंकि कुर्ती तो हमने कई वीडियो में देख रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने शरारा का ऊपर का हिस्से की कटिंग की थी, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो कमर से लेकर घुटने तक होता है, जो निक्कर की तरह का होता है, उसके बाद हम फ्रिल लगाते हैं, उसकी कटिंग की थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसमें लाइनिंग लगानी है, तो सबसे पहले हमें हमने इस पे लाइनिंग लगाकर कच्चा कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से, और ये दोनों आगे के हिस्से हैं, फ्रंट है, और ये पीछे का हिस्सा है। पीछे वाले हिस्से में हमने थोड़ी सी जो है ऊपर इधर आसन की तरफ टीक उठाई थी 1.5 इंच की, वो वीडियो आप देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा यहाँ पर, अब हमने इसको ये यहां से इतना देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां से ये ऐसे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको कच्चा करना है, और अगर आपको आपने लाइनिंग नहीं लगानी तो कच्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पास कपड़ा ऐसे रेडी है। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको अपने ये जो आसन है हमारे इस तरीके से, जो फ्रंट और बैक एक साथ जोड़ना है इस तरीके से। ये बैक हो गया हमारा ऐसे, ये देखिए थोड़ा ऊपर आया हुआ ऐसे इस तरीके से। तो हमें ये दोनों को साथ रखना है ऐसे करके, और यहां पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा, अगर आपने लाइनिंग नहीं लगानी है, आपके पास ऐसे ही कटिंग करनी है कपड़ा है, तो यहां पर सबसे पहली सिलाई यहां पर लगाएं, दोनों ही हिस्सों में इस तरीके से रखकर, ऐसे रखकर साइडों में आप सिलाई लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूं, इसको हम बाद में ज्वाइंट करेंगे, सबसे पहले हमें साइडें ही जोड़नी है, जो हमारे ऊपर का ये जो निक्कर वाला हिस्सा है इसकी साइड जोड़नी है, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद अब जो हमारे पास ये फ्रिल हमें लगानी थी, ये कम लग रहा था मुझे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कम लग रहा है मुझे, तो जो प्लेन नेट इसी साड़ी में से बची है इतनी इतनी मैंने और एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइंट कर ली है प्लेन। अब मैंने आपको बोला था कि प्लेन वाला हिस्से को हम पीछे लाएंगे, बॉर्डर हमारे पास बची गया था तो हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं, और इसको इसके साथ ऐसे ज्वाइंट भी कर देते हैं, ठीक है। मैं यहां पर सिलाई लगा लेती हूं और इसमें भी सिलाई लगा लेती हूं साइडों में। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने यहां पर सिलाई लगा ली है, सबसे पहला काम हमें यही करना है, यहां पर सिलाई लगानी है और अभी कुछ नहीं करना। ये यहां पर दोनों तरफ मैंने इस तरीके से यहां पर सिलाई लगा ली है, और यहां पर सिलाई लगाकर इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। ये ज्वाइंट कर लिया है, और जो मेरी फ्रिल है उसमें मुझे जो एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ना है वो मैंने जोड़ लिया है। अब मैं इसे बॉर्डर लगाकर इसी तरीके से यहां पर इसको भी रेडी कर लूंगी। अब से यहां पर ये प्लेन हिस्सा आ रहा है, प्लेन में पीछे की तरफ जो आएगा इसमें, जैसे ये हम बनाएंगे शरारा, इसमें पीछे के जो बैक हिस्सा आएगा बैक की तरफ डाल दूंगी मैं प्लेन वाली, तो पता नहीं चलेगा ज्यादा। और ये जो है बॉर्डर मेरे पास है, वो बॉर्डर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ठीक है ना।
तो अब सबसे पहले हम इनको, इसको मैं प्लेट डाल लेती हूं इस तरीके से करके, मैं पहले प्लेट डाल लेती हूँ बड़ी बड़ी। और आपको ये देखना है कि जैसे आप प्लेट डालते जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते रहना कि ये कितनी हमारी, इन दोनों हिस्से में इतनी हमने प्लेटें डाल दी कि ये दोनों हिस्से में इस तरीके से आ जाएंगे। तो हमें प्लेटें डालनी है पहले अलग से, इसके ऊपर नहीं लगानी है। हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं बट हमें लाइनिंग लगानी है, ये रही हमारे पास लाइनिंग, तो इसलिए हम अलग अलग डालेंगे। इसमें अलग डालेंगे प्लेट, इसमें अलग डालेंगे, जो थोड़ा सही तरीका होता है, थोड़ा हमारे से गलती कम होगी। तो इसीलिए अब मेरे पास ये चार हिस्से हैं इस तरीके से, मैंने आपको दिखाया था उसमें कटिंग के लिए। अब मैं इनको चारों को भी ज्वाइंट कर लेती हूँ। ये इस तरीके से एक हिस्से में आएगा, ये एक तरफ का हिस्सा है, ये देखिए काफी है, ये एक तरफ का हिस्सा काफी घेर वाला हम बना रहे हैं। मैं इनको भी ज्वाइंट कर लेती हूँ और इसमें भी मैं डॉट डाल लेती हूँ, सारे में प्लेटें इस तरीके से डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए आप, इस तरीके से आपको जो आपके नीचे का कपड़ा है उसमें इस तरीके से आपको फ्रिल डालनी है। ये देखिए फ्रिल डालने के लिए आप जो कपड़ा है आपका उसका सेंटर निकाल लीजिए। जैसे ये मेरे पास कपड़ा है तो इसका बिल्कुल सेंटर, बीच का हिस्सा मैंने निकाल लेती हूँ ऐसे ऐसे, बीच में मैं यहाँ कट लगा दूंगी, बीच में मैं यहाँ कट लगा दूंगी। और कट लगाने के बाद आधी चुन्नटे इधर डालूंगी और आधी इधर डालूंगी। बार बार चेक करते रहना है आपको कि ये जो हम ऊपर वाला हिस्सा बना रहे हैं ये इसके अकॉर्डिंग हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आप रख के देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा है इस तरीके से। काफी चौड़ी चौड़ी फ्रिल डल गई है इसमें, बिल्कुल पतली पतली नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अजीब लगती है। ये थोड़ी चौड़ी चौड़ी होनी चाहिए तो बड़ी सुंदर लगती है, इसीलिए मैंने इसमें ज्वाइंट भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेरा ये हो गया है और नीचे जो मैं लाइनिंग इसमें लगाऊंगी उसमें भी मैंने इसी तरीके से ऐसे फ्रिल डाल ली है। ये देखिए इक्वल हो गया ये अपना, इस तरीके से दोनों में अलग अलग डालनी है क्योंकि ये वाला ही, ये जो कपड़ा है लाइनिंग वाला, ये थोड़ा कम है, थोड़ा ही कम है और ये ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग डालकर अब मैं इसके अंदर इस तरीके से इसको एक सिलाई लगा दूंगी। बाकी अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक कर लीजिए बार बार। देखिए इस तरीके से फिर हम यहां पर एक सिलाई लगा लेंगे, हमारी जो काफी घेर है इसमें काफी फ्रिल है, काफी आ जाएगा इसमें इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर दोनों अलग अलग करके यहाँ पर एक सिलाई लगानी है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये लगाने के बाद अब नीचे का हिस्सा देखिए कितना हल्का है, ये इतना हल्का नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, जो मैंने साइड में से पट्टियां काटी थी अब मैं इसके अंदर इसको लगा लूंगी ताकि ये फिनिश हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे उड़े नहीं। तो मैं इसको इस यहां से ऐसे सिलाई लगाऊंगी और अंदर की तरफ पलट दूंगी इसको, ऐसे ये फिनिश भी हो जाएगा और ये अच्छा भी जाएगा। साटन वाला कपड़ा इधर की तरफ रहने दे, शाइनिंग वाला, तो ये उल्टा करके लगाएं जिससे ये शाइनिंग वाला ये हमारा ऐसे पार्ट आ जाता है नीचे की तरफ, जो हमारे पास ये लेस है देखिए कितना हल्का है ये, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं, मैं इसको नीचे से लगा देती हूँ। बाकी आपने फ्रिल वाला ये पार्ट देख ही लिया है, दोनों को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है ये। इसकी कटिंग आप जरूर देखिएगा, कटिंग की वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें पता चलेगा आपको किस तरीके से निकाला जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा घेर आ रहा है और ये बहुत ही प्यारा लगने वाला पहनने के बाद। ये देखिए कम घेर वाले नहीं अच्छे लगते, बल्कि ये 5 ही मीटर साड़ी थी बट लेकिन मैंने निकाली कुछ इस तरीके से तो थोड़ा घेर अच्छा आ गया इसमें। तो फ्रेंड्स मैं इसको लगाकर रेडी करती हूँ और इसको भी और इसके दूसरे हिस्से को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इधर मैंने ये लगा दिया है पूरे में, ये तो आ ही रहा है एक तरफ, कढ़ाई तो आ रही है, ये देखिए पूरी एम्ब्रॉयडरी आ रही है एक तरफ, और एक तरफ नहीं आ रही तो मैंने इधर की तरफ नहीं थी लैस नहीं थी तो मैंने ये लैस इधर लगा दी जो मेरे पास बची हुई थी, आपको मैंने दिखाई थी। अब ये बची है सिर्फ मेरे पास, और मेरे पास दूसरा हिस्सा भी है इसी तरह का, यहां से लेकर यहां तक कम से कम 1 मीटर है जो मुझे लगाना है दूसरे वाले हिस्से में इस तरीके से।
ये बैक में आ गया। तो इसमें अब ये ऐसे खाली खाली नहीं लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है। तो अब मेरे पास ये है, और आपने ये देखा था मैंने पल्लू के पास से काटा था इसको, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर, और इसको ज्वाइंट करके पूरा नीचे का घेरा जरूरी है हमारा, उसको मैं क्लियर कर लूंगी पूरा यहाँ पर जो है, लगा दूंगी इस नेट को भी इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, इस लैस को लगा दूंगी मैं, तो पूरे घेरे पर हमारे इस तरीके से कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा नीचे की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से हमें छोटी छोटी कटिंग कर कर लगानी है। ये देखिए अब मैं इसको भी कटिंग कर लूंगी, फिर मेरे पास ये बच जाएगा, ये मैं देखूंगी मैं अपनी स्लीव्स में लगा लूंगी, या नहीं तो जो कुर्ती का कॉलर होगा उसमें लगा लूंगी, तो ये भी हमारे काम आ जाएगा। मैं इसको यहां से कटिंग कर कर और इसको भी मैं नीचे पल्लू में लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों फ्रिल वाले जो हिस्से हैं रेडी कर लिए हैं। ये आप देखे, ये एक ही हिस्सा है, इसमें काफी घेर आ गया है। ये देखिए कितना घेर इसके अंदर आया हुआ, ये एक ही हिस्सा है, दूसरा अलग है। बैक से भी इसको आप देख सकते हैं, बैक से ये प्लेन आकर नीचे ये लैस पूरी आ रही है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है ये देखिए, हमारा जो लाइनिंग वाला हिस्सा है ये हो गया, हमने ये भी रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैंने एक प्लास्टिक की, इस तरह की एक प्लास्टिक की वो आती है, वो लगा दी है मैंने, टेप आती है प्लास्टिक की, वो मैंने इसके अंदर लगा दी है ताकि ये थोड़ा और वॉल्यूम दे। ये देखिए, अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, नीचे ऐसे ही मोड़ दीजिए, टर्न कर दीजिए इसी तरीके से, जो लाइनिंग वाला हिस्सा उसको ऐसे मोड़ दीजिए। ये देखिए, और जो ये है हमारी लैस, इसको भी मैंने यहां पर जो मैंने आपको साटन की पट्टी दिखाई थी वो मैंने इसके मोड़ दी है, और साटन वाला हिस्सा इधर की तरफ दिख रहा है, शाइनिंग वाला आप देख सकते हैं, काफी वॉल्यूम, काफी प्यारा जो ये शरारा है, बहुत प्यारा शरारा बनेगा ये। ये हो गया मेरे पास एक ये हो गया, ये दोनों पल्लू मेरे रेडी हो गए हैं जो हमें नीचे की तरफ लगाने हैं। यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये घेर वेर सब अच्छा आना चाहिए इनका, ये फिनिशिंग आनी चाहिए इनमें, क्योंकि ये ज्यादा दिखाई देता है नीचे की तरफ। तो ये हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखिए हमारे ये जो है दोनों पीसेस, इनको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले साइड में हमने सिलाई लगा ही दी थी, अब हमें क्या करना है, ये हमें आसन की सिलाई लगानी है, बीचों बीच ऐसे पकड़कर हमें लगानी है आसन की सिलाई, इस तरीके से हम लगाएंगे आसन की सिलाई लगा देंगे हम इस तरीके से दोनों तरफ, हम दोनों तरफ आसन की सिलाई लगा देंगे, एक पैर की यहां से लेंगे और यहां पर राउंड लाते हुए बिल्कुल ये सिलाई लगा देंगे। गोलाई वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम दोनों आसनों को जोड़ देते हैं। मैं इधर से भी इसको जोड़ देती हूँ और इधर से भी इसको जोड़ देती हूँ। ये थोड़ा लाइनिंग वाला था इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, अगर बिना लाइनिंग का हो तो इजीली आप सिल सकते हैं जल्दी जल्दी। इधर भी मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, बीचों बीच जो आसन की है वो सिलाई लगा दी है मैंने यहां पर, और इंटरलॉक कर दिया है इस तरीके से, और इधर भी मैंने दोनों तरफ आसन सील दिए हैं। अब ये देखिए, यहां से ये थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा इस तरीके से 1.5 इंच ऊंचा है, आगे वाला सीधा है। अब हमें क्या करना है, एक पट्टी काटनी है, 2.5-3 इंच की एक पट्टी काट लीजिए, जो हम ऊपर आप लास्टिक लगाएंगे, पहले हम लास्टिक ही लगाएंगे, बाद में हम नीचे फ्रिल लगाते हुए ये आसन की सिलाई हम इस तरीके से गोलाई में लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे जब हम फ्रिल लगा देंगे। आप प्लास्टिक लगाकर अगर आप अपने नाप से बना रहे हैं तो आप एक बार इसको डालकर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपके घुटनों के पास है, ऊंचा तो नहीं हो गया, आपसे कटिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, हर चीज का एक हल होता है। मान लीजिए अगर आपसे ये ऊंचा हो जाता है किसी वजह से, तो आप यहाँ पर कपड़ा लगाकर या एक कोई पट्टी लगाकर इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, और जो लैस है उसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लैस लगी भी हुई होती है और सुंदर भी लगती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। टेलर वही होता है जो बिगड़े काम को संवार देता है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे आइडिया भी देती रहती हूँ कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसको सही कर सके। अब मैं इस पट्टी को पहले लगा दूंगी पूरे इसमें, इस तरीके से मैं इस पट्टी को लगाऊंगी,
ठीक है, पूरे इसमें मैं इसको लगा दूंगी। उसके बाद मैं आपको इलास्टिक लगानी सिखाऊंगी, पूरे राउंड में मैं इसको लगा देती हूँ। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने इसकी पट्टी लगा ली है, और पट्टी लगाने के बाद एक सिलाई और लगा दी है मैंने। इस तरीके से इसको दबाने के लिए सिलाई और लगा दी है मैंने। इसके ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा पर नेट लगी है, ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल नेट ज्यादा खुली खुली है ना, तो ज्यादा उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि नेट ना लगाई हो हमने। इसमें हमने कोई नेट नहीं लगाई है, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं लगाई हमने, ये ऐसे ही रखा है। अब जो हमारी इलास्टिक है वो कमर से 3 इंच छोटी ले ले, और जितनी आपकी कमर हो उससे 3 इंच छोटी ले ले इसको, और यहां पर फिर एक सिलाई लगा लीजिए ऐसे, इसको राउंड में कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं, मैं इसमें इलास्टिक भी डाल रही हूं। इसको अच्छे से पक्का कर लीजिए। फ्रेंड्स मैंने और भी साड़ियों में से, पुरानी ही साड़ियों में से मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस सूट कुर्तीज वगैरह डिजाइन की हैं, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, और ये जो हमने राउंड कर लिया है इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखकर ये पूरा कपड़ा हम इसके ऊपर पलटेंगे, और यहां पर इसको स्टिच करते जाएंगे। इसको हम अच्छे से ऐसे पलटकर यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे, और ये राउंड में अपने आप ही घूमती रहेगी। इसको थोड़ा हम खींचते रहेंगे, इसके ऊपर सिलाई हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको इसी तरीके से रखते रहेंगे राउंड में। ये जहां तक हमारा ये कपड़ा आएगा इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, और ये देखिए इस तरीके से। अभी हम लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं। लास्टिक हमारी इसी तरीके से ऐसे इसके अंदर से निकलकर राउंड में हमारे पास ऐसे हम घुमाते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे इस तरीके से। आपको सिर्फ लास्टिक पर एक सिलाई लगाकर उसको गोलाई में ही सिलना है। इस तरीके से पूरा हम कर लेंगे, और जब हमारा इधर से खिंच जाएगा तो हम इसको खींचकर थोड़ा सा इधर को और एक्स्ट्रा कर लेंगे, और पूरे में गोलाई में हम लगा देंगे। आप देखिए फ्रेंड्स ये पूरी इलास्टिक मैंने लगा दी है इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दूंगी बीचों बीच। इसको इस तरीके से यहां पर रखूंगी मशीन, और ऐसे खींचूंगी और इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, फिर छोड़ दूंगी, फिर ऐसे खींचूंगी, फिर सिलाई लगाऊंगी, छोड़ दूंगी, और ये हमारी इलास्टिक ऊपर की हो गई है रेडी। आप चाहें तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। अब हमारा ये जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें बस लास्ट काम करना है कि हमें उसमें नीचे फ्रिल लगानी है, और उसके बाद फिटिंग करनी है। तो फ्रिल लगाने के लिए हमें क्या करना है, अब आप ये देखिए, आप इसको पहले डालकर भी देख सकते हैं कि आपको ज्यादा लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है। आप देख सकते हैं पहले ही डालकर इसको, लास्ट में हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसको ओपन करकर, इसे हमें ऐसे ओपन करकर, और जो हमारे फ्रिल वाले हिस्से हैं दोनों वो हमें लगाने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है, थोड़ा सा ऊंचा वाला हिस्सा जो है उसका निशान लगा लीजिए इस तरीके से। छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। अब ये हमारा हो गया फ्रंट, फ्रंट हो गया हमारा ये, ठीक है। फ्रंट वाले हिस्से पर आपको ये देखना है, जहां मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा रख रखा है वो फ्रंट पर आना चाहिए, तो वही वाला हिस्सा आप उठाएं। ये साड़ी में से बना हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ी सी ट्रिक इसीलिए है इसमें, नहीं तो इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं। तो फ्रेंड्स हम साड़ी में से बना रहे हैं इसीलिए हमें थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान रखना है कि हमें एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा आगे की तरफ आना चाहिए। जैसे ये मेरा फ्रंट है तो, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है, तो मैं इसको यहां से लगाना शुरू करूंगी इस तरीके से, ऐसे लगाना शुरू करूंगी, फिर इसको मैं ओपन करूंगी, और ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे में ओपन कर इसको यहां पर मैं सिलाई लगा दूंगी। और ये हमारी फ्रिल, ये देखिए पूरा मैंने रेडी कर रखा है उतना ही जितना ये है, इस तरीके से मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने इस पे सिलाई लगा दी है, और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई लगा रखी थी मैंने वो मैं बाद में हटा दूंगी, निकाल दूंगी। इस तरीके से हमारी ये एक पल्ले में ऐसे लग जाएगी, एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा फ्रंट पर आ गया ऐसे करके। ये देखिए इसका वॉल्यूम काफी अच्छा है, काफी घेर आया इसमें ये, इस तरीके से पहनने के बाद ये बहुत 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 सुंदर लगने वाला है, पहनने के बाद ये बहुत प्यारा लगने वाला है। तो अभी हम दूसरे में भी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए
ये दोनों तरफ मैंने लगा दी है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा इस पे फैल भी नहीं रहा, ये इस तरीके से यहां पर इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ये बीच वाली सिलाई लगाने से पहले जो ये हम बीच वाली उल्टा करके हम ये जो बीच वाली सिलाई लगाएंगे पूरी, उसे लगाने से पहले जैसे हमने ये लगा दिया है, ये फ्रिल वाला हिस्सा हमने लगा दिया है, यहां की तरफ भी हमें एक लेस लगानी है। तो हमारे पास ये बचा हुआ है थोड़ा सा, आपने देखा ही था ये मैंने पल्लू की तरफ से निकाला था, तो मैं इसको लगा दूंगी इधर। इसको हाफ कटिंग करके यहां पर इसे मोड़ते हुए इस तरीके से इस वाले हिस्से में जहां हमने फ्रिल लगाई है वहां हम इसको लगा देंगे। बाकी हमारे पास दो पीसेस ऐसे भी हैं बट ये अलग अलग हो जाएगा, तो मैं इसको ही दोनों तरफ लगा दूंगी, इधर भी लगा दूंगी और इधर भी लगा दूंगी। जो फ्रंट पर सेम डिजाइन आ जाए तो मैं इसी तरीके से लगा दूंगी, आधा इधर काट कर लगाऊंगी और आधा इधर काट कर लगा देती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ डिजाइन आ जाएगा। ये यहां पर लगाना भी जरूरी है क्योंकि यहां पर बहुत सुंदर लगता है ना लगा हुआ, तो यहां पर लगाना जरूरी है। उसके बाद ही हम गोलाई की सिलाई लगाएंगे पूरी और ये हमारा ये बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको पूरा लगाने के बाद टेबल पर रख के दिखाती हूँ पूरा प्रॉपर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे शरारे का फाइनल लुक ये किस तरीके से और कितना ज्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है, किसी डिजाइनर शरारे की तरह ही ये लग रहा है। ये देखिए यहां से और कितना घेर इसके अंदर है। यहां पर मैंने ये लेस लगा दी है, ये वाली सिलाई गोल वाली सिलाई लगाने से पहले आप ये लेस लगा दीजिए, पहले आप इसको ही जोड़िए उसके बाद ही ये लगाइए। इसको जोड़ने के बाद फिर जब ये जो सिलाई में ऊपर की तरफ को रखकर जो नीचे वाला हिस्सा इसका ऊपर की तरफ को रखकर और इसको सिलाई लगा दीजिए। देखिए यहां पर ये हमारे शरारे का फाइनल लुक है। यहां पर भी नेट लगी है, ये कैमरे में नहीं दिख रहा है आपको, ये भी नेट लगी है देखिए येरी यहां पर, तो यहां पर लाइनिंग लगाई है। और ये देखिए कितना फ्लेयर इसके अंदर आया है, कितना घेर इसके अंदर आया, बिल्कुल प्रॉपर एक लहंगा होता है वैसा ही घेर इसके अंदर आया। देखिए इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन में भी ये अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा फ्रंट, फ्रंट पर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है और बैक पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक पे भी मैंने पूरे पे लेस लगा दी है। ये लेस मैंने कैसे कटिंग करी, कहाँ कहाँ से कटिंग करी, उसके लिए आपको मेरी कटिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, देखिए साड़ी में से मैंने ये बनाया है, साड़ी में से कहाँ से मैंने क्या निकाला है क्या नहीं निकाला है, कहाँ से कटिंग करके मैंने बॉर्डर्स निकाले हैं, वो सब आपको मेरी कटिंग वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन। इसको मैं पहनकर प्रॉपर सूट के ऊपर कुर्ती के ऊपर मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में। आपको देखना है इसका लुक कितना ज्यादा सुंदर है और आपको कैसा लगता है। जिनको शरारे पसंद है वो उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें मैं इसको पूरा प्रॉपर पहनकर इसका लुक दिखाने वाली हूँ। ये देखिए आप नीचे से भी इसको देख सकते हैं। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया अच्छा और यूनिक डिजाइन लेके। बाय फ्रेंड्स, बाय।